हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बॉब प्रॉक्टर के द्वारा बताई हुई एक टेक्निक, जिसकी मदद से आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी कोई भी इच्छा हकीकत में बदल जाएगी। ये टेक्निक बिल्कुल सिंपल है और इसके लिए किसी एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इस टेक्निक को सही तरीके से समझने के लिए इस वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को सही तरीके से समझें, ताकि ये टेक्निक आपके लिए काम कर पाए। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ये समझें कि इस समय आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और वास्तविकता में आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पहले मुझे भी खुद को लेकर इन सवालों की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर मुझे रे स्टैनफोर्ड नाम के एक व्यक्ति मिले, जिन्होंने मुझे थिंक एंड ग्रो रिच बुक रेकमेंड की और बताया कि ये किताब तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। उस समय रे स्टैनफोर्ड बहुत अमीर, हेल्दी और खुश रहने वाले इंसान थे और मैं पैसों की कमी से परेशान था, जिस वजह से मैं काफ़ी उदास रहा करता था। मुझे उनकी बात पर कुछ खास यकीन तो नहीं था, फिर भी मैंने उनकी दी हुई एडवाइस को माना और थिंक एंड ग्रो रिच बुक को रोज़ पढ़ना शुरू किया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, ना ही किसी तरह का बिजनेस चलाने का मुझे कोई अनुभव है, लेकिन रे स्टैनफोर्ड ने बताया कि ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ वो केवल आपका पास्ट था, पर अब जो कुछ भी आपके फ्यूचर में होने वाला है वो आपके अभी के फैसलों पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि मुझे पता है कैसे खुश रहा जाता है, मुझे पता है पैसा कैसे कमाया जाता है, मुझे पता है स्वस्थ कैसे रहा जाता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा, अगर आपने उसे फॉलो किया तो मेरी तरह आप भी पैसे कमाना शुरू कर देंगे। इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से बदल चुकी थी। चलिए तो जानते हैं आप किस तरह से अपने पैराडाइम को बदलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं आपके पैराडाइम्स आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानियां लाते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही रिजल्ट हमें मिलता है, और अगर हम कभी नहीं समझ पाते कि वो रिजल्ट हमारे पैराडाइम की वजह से मिला है, तो हम वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं और खुद को बदल नहीं पाते। रिजल्ट पाने के लिए आपको खुद को बदलना होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपको खुद में किस तरह का बदलाव लाना होगा। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग बदलने की आवश्यकता होती है, जिसे पैराडाइम भी कहते हैं। पैराडाइम और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी हैबिट्स होती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होती हैं, यानी ये आदतें आपके अवचेतन मन में पहले से ही बैठी होती हैं, जो आपके बिहेवियर को निर्धारित करती हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं आपका बिहेवियर ही आपके रिजल्ट्स में बदलाव लाता है। अगर आप अपने रिजल्ट्स में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको बाहर वो रिजल्ट नहीं ढूंढने हैं, आपको केवल खुद में बदलाव लाना है। तो आप अपने पैराडाइम्स को आसानी से बदल सकते हैं, जिसे रेपिटेशन कहते हैं। मान लीजिए अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आप बहुत देर तक सोते हैं, आपको उसे बदलना है, यानी आपके देर तक सोने वाले रिजल्ट को बदलना है। तो आप इस रिजल्ट को ऐसे बदल सकते हैं। बदलाव के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ऐसी क्या वजह है जो आपको इतनी नींद आती है। ये एक तरह का आइडिया है जो आपके अवचेतन मन में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी नींद नहीं खुलती और हम हमेशा बिस्तर पर रहते हैं और सुबह उठने का हमारा मन नहीं करता। अगर आप इस रिजल्ट को बदलना चाहते हैं तो आपको हर उस नेगेटिव रिजल्ट को लिखना होगा जो आपको मिलता है, जैसे कि मैं हमेशा सोता रहता हूँ, मैं देर से उठता हूँ, हर बार जब भी मेरा अलार्म बजता है तो हर बार मैं स्नूज बटन दबाता रहता हूँ। इस तरह से सारे नेगेटिव रिजल्ट्स को लिखने के बाद आपको सोचना है कि उन सभी नेगेटिव रिजल्ट का पॉजिटिव रिजल्ट क्या हो सकता है। अब आपको उन सभी पॉजिटिव रिजल्ट्स को पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरह प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि हर सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ। इस तरह से आप अपने लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिख सकते हैं और आपको इस अफर्मेशन को हर दिन 100 बार लिखना है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं मुझे पता है कि आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, जिसे एजुकेटेड माइंड, थिंकिंग माइंड या इंटेलेक्चुअल माइंड भी कहते हैं, आपका ये चेतन मन आपसे कहेगा कि ये सब बकवास है, आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन जब आप इस टेक्निक को हर दिन प्रैक्टिस करते हैं और जब आप हर दिन अपनी अफर्मेशन को 30 दिनों तक 100 बार लिखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने अलार्म का स्नूज बटन दबाना बंद कर देंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि आपका पॉजिटिव अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है और आप उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे।
यानी आप जल्दी उठने लग जाएंगे और जिस नेगेटिव रिजल्ट के बारे में आप पहले सोचते थे आप उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे और वो नेगेटिव विचार आपके दिमाग से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशन को लिखें तब अपने दिमाग में सोचें कि आप इस नई हैबिट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही आपका अलार्म बजता है आप तुरंत बिस्तर से उठते हैं और ज़मीन पर खड़े हो जाते हैं। रेपिटिशन की ताकत से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाकर अपनी किसी भी इच्छा को हकीकत में बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।